हाँ जी दोस्तों, तो पिछली क्लास में आपने दो पॉइंट किया था स्टार्टअप फाइनेंस के। दो पॉइंट्स में पहला कौन सा किया था? पहला किया था हमने सर इनोवेटिव वेज, यस। और दूसरा पॉइंट जो किया था वो पॉइंट किया था हमने पिच प्रेजेंटेशन। अब स्टार्टअप फाइनेंस का लिखोगे तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पैसों का अरेंजमेंट कहां कहां से किया जा सकता है। सर इनोवेटिव वेज में भी तो वही था, इनोवेटिव वेज में कुछ नए मेथड्स थे। मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में हम ये समझे जनरली हम पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करते हैं। इनोवेटिव वेज और मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग अगर देखा जाए तो ज़्यादा अंतर है ही नहीं, इसमें भी मैं वही चीज़ें समझाने वाला हूँ। पर यहाँ जनरली पैसों का अरेंजमेंट अभी किस तरह से किया जाता है ये मैं समझाने वाला हूँ। और इनोवेटिव वेज में क्या था? कुछ नए मेथड्स थे। अच्छा सर, तो यहां मैं आपको बात करूंगा, आपको ऑटोमेटिक यहां बात समझ में आएगी। याद रखना इनोवेटिव वेज बोलेगा तो आपको वही वाले पॉइंट लिखना पड़ेगा, 9 पॉइंट्स। मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग अलग चीज है। सर क्या चीज है जरा देख लेते हैं। इसमें उसने किस किस चीज को कवर किया? उसने कहा इसमें तीन चीजें, फर्स्ट बूटस्ट्रैप, सेकंड एंजल इन्वेस्टर्स, एंड थर्ड वेंचर कैपिटल। ये तीन चीजें कवर। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसके अंदर की बातें तो हमको समझना। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है तो बात समझना। बेटे मुझे स्टार्टअप करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या बैंक से लोन मिल सकता है? यस, बाहर के लोगों से पैसे मिल सकते, उधार मिल, आप फैमिली से पैसे लीजिए, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से। पर प्रॉब्लम क्या होता है जब हमको पैसा मिल जाता है आसानी से बैंक से, तो हम लोग क्या करते हैं, उन पैसों का इफेक्टिव यूज नहीं कर पाते। अगर हमने लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और लोन हमको मिल गया है तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो जाती कि हम बेकार के प्रमोशन में चले जाते हैं, जबरदस्ती का प्रमोशन किया जा रहा है। मशीनरी जो सस्ते में आ सकती है उस पर खर्च कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है। मतलब आप जो एक्सपेंडिचर करोगे उन पैसों की आप कदर नहीं करोगे, इनका बस ये मानना है। तो पैसे कहाँ से ले? बोले पैसे अपने बिजनेस से ही लगा के, अपने बूट स्ट्रैपिंग का मतलब आपको बाहर से हेल्प की जरूरत नहीं है, अपने ही बिजनेस से अपने खुद का पैसा यूज करना है स्टार्टअप के लिए। और जैसे पैसे आना स्टार्ट होगा उन्हीं पैसों को फिर से यूज करना। मीन्स सर इसका मतलब ये है हम एकदम से बड़ा नहीं करेंगे, हम जो ऑपरेशन करेंगे बिजनेस ऑपरेशन और उससे जो पैसा आएगा उसी को यूज करेंगे आगे भी, हमें बाहर के पैसों की जरूरत नहीं है। दिस इज बूट स्ट्रैपिंग। इसमें दो तीन चीजें पॉइंट आएगी वो मैं आपको समझा दूंगा। अब दो चीजें हैं, चलो हमें खुद के पैसों का यूज नहीं करना, सर जी हमें पैसे चाहिए बाहर से। तो दो टाइप के लोग आएंगे, एक आएगा एंजल इन्वेस्टर्स और एक आएगा वेंचर कैपिटल। सर ये एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? अगर वेबसाइट में मुझे स्टार्टअप करना, और पैसे चाहिए, बैंक तो पैसे देगा नहीं क्योंकि बहुत रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह जमाने भर की चीज़ें हैं, इतने आसानी से पैसा मिलेगा ही नहीं बैंक से। तो अब पैसे कहाँ से लिया जाए? तो अब है क्या बेटे, कॉन्सेप्ट है एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं बेटे? ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में है इंडिविजुअल ही होते हैं, पर ये एक्चुअल में इनके पास कुछ सेविंग्स होती है और ये स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। जैसे आप मान लो किसी ने मुझे पैसा दिया,
वो ये नहीं देखता कि क्यों, हालांकि रिस्क ज्यादा है पर वो पैसे लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं, रिस्क है तो पक्का वो रिटर्न भी तो चाहेंगे, बदले में वो मुझसे स्टॉक ले लेंगे, शेयर्स ले लेंगे बाद में, और फिर जब मेरी कंपनी बढ़ जाएगी, जब मेरा स्टार्टअप जो अभी है वो बिजनेस बढ़ेगा, तो वो अपने शेयर्स महंगे दामों में बेच कर बाहर निकल जाएंगे। एंजल इन्वेस्टर्स बिल्कुल आपका स्टार्टअप होने वाला है, ये इंडिविजुअल होते हैं, खुद का पैसा होता है, जितना भी थोड़ा सा कम मात्रा में होता है वो पैसा लगाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। क्राउड फंडिंग में जो पैसा लगा रहे वो भी मेरे लिए एंजल इन्वेस्टर्स ही है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, और सर वेंचर कैपिटल क्या होता है? बेटे दोनों में अंतर है। वेंचर कैपिटल बड़े रूप में मान लो, वेंचर कैपिटल क्या होता है, ये है स्टार्टअप, आपको पैसे चाहिए ना, मैं हूँ वेंचर कैपिटल, तो मैं अपना पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं पब्लिक से पैसा अरेंजमेंट करता हूँ, पब्लिक से पैसे अरेंजमेंट करके मैं बिजनेस में लगाऊंगा। इट मीन्स वेंचर कैपिटल थोड़ा सा ब्रॉडली मतलब हाई लेवल की चीज, और एंजल इन्वेस्टर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं, ये अपना खुद का पैसा लगाते हैं, और वेंचर कैपिटल जो है ये खुद का पैसा नहीं लगाते, ये कहीं और से अरेंजमेंट करके आपको पैसे देते हैं। अच्छा, इनका काम ही होता है ये। अच्छा सर, एंजल इन्वेस्टर्स बिल्कुल बेसिक से पैसे लगाते हैं, सीड, बिल्कुल स्टार्टअप, वो ये नहीं सोचते कि पैसा वापस मिलेगा या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला, ये सब बोले भाई आप स्टार्ट तो करो, हम पैसा लगा रहे हैं। जबकि वेंचर कैपिटल आएगा पिक्चर में, वेंचर कैपिटल भी पैसा देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, और इनका मोटिव यही होता है कि आपका बिजनेस वायबल है कि नहीं, दोनों में रिस्क है, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल दोनों को रिस्क है तो रिटर्न भी ज़्यादा ही मिलेगा, बस अंतर इतना है एंजल इन्वेस्टर्स खुद का पैसा लगाते हैं, बिल्कुल बेसिक से लगाते हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटी पर ज़्यादा चेक नहीं करते, जबकि वेंचर कैपिटल थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट होता है उसके बाद पैसा लगाता है, बड़े रूप में पैसा लगाते, बीच बीच में भी फंडिंग, इनका रोल बहुत ज्यादा है, बिजनेस में भी इंटरफेयर करते हैं, ये लोग ऐसा नहीं करते। खैर, वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करूंगा, बस स्टार्टअप फाइनेंस में कुछ नहीं है, तीन चीजें मुझे डिस्कस करनी है। पहली बात किसकी करनी है, बूटस्ट्रैपिंग, दूसरी बात किसकी करनी है, एंजल इन्वेस्टर्स, और तीसरी बात किसकी करनी है, वेंचर कैपिटल। तो पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं बूटस्ट्रैपिंग आखिर होता क्या। अगर फर्स्ट हम देख रहे हैं, बूटस्ट्रैपिंग, और बूटस्ट्रैपिंग में ना तीन पॉइंट कवर किए हैं। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब हमें अपने बिजनेस से ही पैसा निकालकर उन्हीं पैसों को वापस बिजनेस में लगाना है, किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, ना बैंक से पैसे उधार लेने हैं, ना तो किसी क्राउड फंडिंग में जाना है, बहुत सारी चीजें, ना तो हमें किसी पीयर टू पीयर लेंडिंग में जाना, कहीं नहीं, ना तो फैमिली से पैसे लेना, ना तो दोस्तों से पैसा लेना, कहीं से नहीं, अपने ही बिजनेस का। तो सर ऐसे कैसे हो सकता अपने बिजनेस का, अब मैं आपको समझाता हूँ। जनरली बैलेंस शीट चेक, ये होती है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में यहां से पैसे उठाए जाते हैं, ये तो हमको मालूम है, हाँ सर यहां हमारी लायबिलिटी हो गई, और इसको पैसे को लगाते कहाँ है, या तो फिक्स एसेट्स में लगेगा, भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या तो कहाँ लगेगा, स्टॉक में लगेगा, या तो कहाँ लगेगा, पैसा कहाँ ब्लॉक होगा, डेटर्स में होगा, यही तो तीन चीजें हैं, या तो स्टॉक, या तो डेटर्स, या तो फिक्स एसेट। अब बात सुनो, बात है स्टॉक की, स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अब सर सबसे पहले स्टार्टअप हमको करना है, दो तीन चीजें, सपोज हमको मटेरियल चाहिए, सबसे पहले यार स्टार्टअप है ना, सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमें मशीनरी वगैरह चाहिए, हाँ सबसे पहले क्या चाहिए, हमें फिक्स एसेट चाहिए, मशीनरी वगैरह। तो अब क्या करें, मशीनरी के लिए पैसे कहाँ से लाए, आप तो बोल रहे बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाओ, बेटे एक बात बताओ, क्या मशीनरी खरीदना जरूरी है, क्या बिल्डिंग खरीदना जरूरी है? नहीं सर, बिल्डिंग रेंट पे ले लीजिए, आप बिल्डिंग खरीदोगे 50 लाख की, उसकी अपेक्षा रेंट पे ले लो, रेंट से काम चलाइए, टेंशन खत्म।
सर उसको लीज बोल सकते कि हाँ लीजिंग, लीजिंग बिजनेस से काम करो ना, मशीनरी चाहिए। हाँ सर, तो मशीनरी खरीद क्यों रहे हो, लीज पर ले लो, फायदा है आपका। शुरू में आप सीधा बिल्डिंग खरीदने का, मशीनरी खरीदने का ये मत सोचो, इट मीन्स आप फाइनेंस करवाइए, सिंपल सी बात है, पैसा नहीं, लीज पर ले लीजिए। और लीज पर लेने से आपको फायदा होगा, पूछो क्यों, जो लीजिंग कंपनी मशीनरी किराए पे लीजिए, बात खत्म, किराए पे लेते हो तो आपको किराया देना, वो आपका एक्सपेंसेस है, और उस एक्सपेंसेस पे आपका टैक्स सेविंग भी होगा, ये तो आप जानते हो। और सुनो, डेप्रिसिएशन जो लीजिंग कंपनी है उसके लिए भी फायदा है, वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी करेगी तो उसको भी टैक्स सेविंग होगा। इट मीन्स एकदम से बहुत सारा पैसा मत लगाओ फिक्स एसेट्स में, आप लीजिंग से काम कीजिए, लीज पर लीजिए बिल्डिंग मशीनरी वगैरह, पक्का बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, धीरे धीरे काम हो जाएगा। तो फिक्स एसेट्स में आप ऐसा काम कर सकते हो कि आप खरीदने की अपेक्षा किस पर ले लीजिए, लीज पर ले लीजिए। अब चलो फिक्स एसेट्स आ गई, अब सर मटेरियल कहाँ से आएगा, सबसे बड़ी बात मटेरियल कहाँ से आएगा ये बताओ। आप जाइए सप्लायर के पास और सप्लायर से बोलिए कि प्लीज सप्लायर सर, सप्लायर बहुत बड़ी फर्म है तो उसका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, या फिर छोटा बिजनेस है तो ऑनर होगा, उससे जाकर ये सारी बातें कहाँ लिखी है, स्टडी मटेरियल में लिखी है, उससे जाकर बात कीजिए कि आप प्लीज उधार दी। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर में उधार तो मिलना बहुत मुश्किल है, पर किसी तरह से आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी तरह से उसे मनाने की कोशिश कीजिए, उसे समझाइए कि जैसे ही आप कम से कम आधा पैसा ले लो, आधा तो आप उधार दे सकते हो। जब आप अगर ये बात कर लिए तो आपका जो स्टॉक की समस्या, जो मटेरियल की समस्या, वो खत्म हो जाएगी। इसको बोला जाता है ट्रेड क्रेडिट, क्रेडिट पे काम कीजिए, ट्रेड क्रेडिट जो बिजनेस हो रहा है वो क्रेडिट पे, मटेरियल आ जाएगा आपका और प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा, चलो ठीक है सर, हमने मटेरियल उधार लाया, अब उधार लाया तो बेचेंगे, यस बेचेंगे तो क्या कैश में बिकेगा, नहीं भाई, अगर आप कैश में काम करने वाले तो हो गया काम, फिर तो बिजनेस ही कैसे चलेगा, तो उधार बेचना सर पड़ेगा। हाँ, अगर उधार बेचोगे सर तो पैसा तो फंस गया ना, फिर कैसे करोगे। कभी फैक्टरिंग नाम सुना है, मैंने लाख को, पहली बात मैंने उधार माल खरीदा, यस, उसको बेचा उधार, यस, लाखों रुपए मेरा फंस गया, अब क्या, अब सामने वाला तो उधार नहीं देगा। बेटे एक नाम सुना ना, फैक्टरिंग में, ये जो अपने रिसीवेबल है, जो करोड़ों रुपए मेरे डेटर्स में फंसे है, ये किसी और को बेच दूंगा, जिसका नाम क्या रहेगा, फैक्टर्स, फैक्टरिंग एजेंसी, ऐसा बोल दूं चलेगा, फैक्टरिंग एजेंसी। मैंने ये डेटर्स उसको दे दिया, मैंने कहा सर पैसे वसूल आप कीजिए, सर सपोज मान लो 100 लाख रुपए मुझे वसूल करना था, 100 लाख रुपए का माल मैंने उधार बेचा था, तो ये 100 लाख रुपए मैंने फैक्टर से बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो अभी एडवांस, उन्होंने 80 लाख रुपए दे दिया, पूरा तो नहीं देते, 20 लाख मिलेगा बाद में मिलेगा, 80 लाख रुपए दे दिए, बात खत्म। अब कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रही, मेरा टेंशन खत्म हो गया, तो क्या मेरा फायदा है, और फिर मैं इधर अपना मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, या 80 लाख सप्लायर को दूंगा, फिर काम जैसे कि वैसे स्टार्ट हो रहा। इट मीन्स अगर आप उधार नहीं बेचते तो आप फंसोगे, उसके लिए एक व्यवस्था है जिसका नाम है फैक्टरिंग, उधार बेचिए, जो पैसा मिलने वाला है वो बाद में मिलेगा, पर आप अभी ले लीजिए, किससे, फैक्टर से। फैक्टर से लेने से फायदा क्या है, क्या कलेक्शन की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, नहीं, टेंशन नहीं करना, क्या पैसा अभी मिल जाएगा, यस सर, फैक्टर आपसे कुछ लेगा भी तो, यस, वो मुझसे फीस लेगा, कमीशन लेगा, तो भाई कुछ कॉस्ट भी है, पर पैसा अभी तो मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कहीं भी क्या मुझे पैसे बाहर से बैंक वैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल नहीं। क्या करो, फिक्स एसेट्स वगैरह किस पे ले लो, लीज पर ले लो। दूसरा, मटेरियल कहाँ से ले लो, ट्रेड क्रेडिट उधार ले लीजिए, मनाही है, बाकी सब कहानी लिखी हुई है वो आप लिख सकते हो। तीसरा, अगर आपने गुड्स बेचा है उधार तो पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, फैक्टर से, दैट्स इट, दिस इज बूटस्ट्रैपिंग। तीन पॉइंट उसने कवर किया है, पहला तो कवर किया है ट्रेड क्रेडिट, दूसरा जो कवर हुआ है वो हुआ है फैक्टरिंग, और तीसरा जो कवर हुआ है वो हुआ है लीजिंग। ये तीन पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, अगर बूट स्ट्रैपिंग आया तो आपको ये तीन पॉइंट बताना ही पड़ेगा कि किस तरह से काम होगा।
ओके सर, इसके बाद किसकी बात करेंगे? एंजल इन्वेस्टर्स। इसके बाद किसकी बात करेंगे? वेंचर कैपिटल। तो पहले बूटस्ट्रैपिंग रीड कर लेते तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका बूटस्ट्रैपिंग। काम काम के कीवर्ड्स देख लेते हैं, क्या लिखा है। एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी बूटस्ट्रैपिंग व्हेन ही अर्स टू फाउंड एंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम, इंपॉर्टेंट लाइन, पर्सनल फाइनेंस आर फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग ऐसा क्यों करते बूटस्ट्रैपिंग? क्योंकि अगर भाई पैसा मिला ना आपको तो क्या आप बेकार में पैसे खर्च करोगे? यस, तो ये बात लिखनी पड़ेगी। अननेसेसरी एक्सपेंसेस करोगे, किस में? मार्केटिंग में, इक्विपमेंट में, बेकार के खर्चे होंगे। इसलिए आप जो स्टार्टअप कर रहे हो किसकी? अपनी खुद की सेविंग से होना चाहिए। अच्छा, अगर देखा जाए तो बूटस्ट्रैपिंग में टोटल मिलाकर कितने पॉइंट? एक तो मैंने बताया ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में क्या काम होगा सर? ट्रेड क्रेडिट में काम ये होगा कि जो गुड्स का पेमेंट है, ये गुड्स जो सप्लाई हो रहा है वो कैश में होता है या क्रेडिट कार्ड में होता है, तो आप क्या कोशिश करना, आप ये कोशिश करना कि आप विजिट करिए सप्लायर को। कहानी किससे लिखे हुए है? या फिर अगर बड़ी फर्म है तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से मिलिए और उन्हें कन्वेंस कीजिए कि जो है ये आप क्रेडिट पर दे दीजिए। इसके लिए बस बाकी सब कहानी है कि ये कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी बात बता रखा है किसमें? ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में लिखना तो बस इतना लिखना कि आप बस कोशिश ये करना कि आपको उधार माल मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेड क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट कौन सा बोला था? फैक्टरिंग। ये रीड कर लोगे बेटे, सिंपल। अगर मैं फैक्टरिंग की बात करूँ तो फैक्टरिंग क्या है? अगर फैक्टरिंग के विषय में लिखना तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा, फैक्टरिंग मतलब अकाउंट रिसीवेबल, और फैक्टर क्या करता है? होल्ड कर लेगा आपका अकाउंट रिसीवेबल, बदले में आपको क्या दे देगा? पैसे दे देगा। हालांकि कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ लॉस भी है। प्रॉफिट क्या है? आपका जो प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस है, जो कलेक्शन एक्सपेंसेस वगैरह, वो पैसा बच जाएगा मैनेजमेंट का। लॉस कौन सा हो जाएगा? लॉस ये हो जाएगा कि आपको फीस देना पड़ेगा, आपको क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा, लेकिन पैसा भी तो अभी के अभी मिल जाएगा। तो फैक्टरिंग से भी आप अरेंजमेंट कर सकते हो। तो ये भी आप एक बार रीड कर लोगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। और उसके बाद किसकी बात कर लेते हैं? लीजिंग। लीजिंग में काम क्या करोगे? लीजिंग में काम ये होगा कि जो इक्विपमेंट है उसको आप कोशिश क्या करना, लीज पे लेना। खरीदने की कोशिश मत करना, शुरू में मत खरीदो भाई, किराए से लो और काम चलाओ, दैट्स इट। तो आप किराए से लेकर काम चलाइए। हाँ, इससे क्या सेविंग होगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल, फिक्स एसेट में पैसा कम लगेगा। और उसके बाद ये एग्जांपल वगैरह दिए हैं, आगे और देख लेते हैं। और क्या लिखा हुआ आगे? लिखा हुआ कि इसकी वजह से, लीजिंग अरेंजमेंट से आपको कुछ कुछ टैक्स सेविंग। ये एग्जांपल बताया कि यार कोई $3,000 का है वो आपको सस्ते में पड़ जाएगा, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। फायदा है, किस किस को फायदा है? जो ऑनर है उसको भी फायदा है और आपको भी फायदा। लेसी मतलब आप, लेसर मतलब जो हमको लीज पर दे रहा, दोनों को फायदा है। किस चीज का फायदा है? सामने वाले को टैक्स सेविंग होगा डेप्रिसिएशन पे, और हमको क्या फायदा है? हम पेमेंट करेंगे स्मॉलर, छोटा छोटा जो पेमेंट करोगे वो आसानी से कर सकते हो, और उस पर क्या होगा? हमको टैक्स सेविंग। तो सीधी सी बात है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ मोड्स। किसके लिए? मोड्स ऑफ पेमेंट, मोड्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस फॉर स्टार्टअप। तीन चीजें, बूटस्ट्रैपिंग, दूसरा एंजल इन्वेस्टर्स, और तीसरा वेंचर कैपिटल। और बूटस्ट्रैपिंग में तीन चीजें, ट्रेड क्रेडिट, उसके बाद फैक्टरिंग, उसके बाद सर उसके बाद फैक्टरिंग के बाद लीजिंग, भाई तीनों चीजों की। ओके, ठीक है सर। सर ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या? एंजल इन्वेस्टर्स, बात समझना, एंजल इन्वेस्टर्स के विषय में मैंने थोड़ी थोड़ी बात बताया। एंजल इन्वेस्टर्स का मुख्य उद्देश्य पैसे लगाना ही होता है, ये कुछ नहीं है। ये इंडिविजुअल लोग ही हैं या फर्म भी हो सकती है, इन लोगों का काम ही होता है स्टार्टअप में इन्वेस्ट, और ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे पैसा लगाना है। और सुनो, ये कहीं से बाहर से पैसा उठाकर नहीं लगाते, इनके पास पैसा होता है, ये पैसा लगा देते हैं। इनका उद्देश्य रिस्क होता है, इनको भी मालूम है रिस्क है, लेकिन
जो उद्देश्य होता है ना, वो बोलता है एक बार बिजनेस तो स्टार्ट हो जाए, ज्यादा ये फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक नहीं करते, हाँ लेकिन रिटर्न बदले में बहुत ज्यादा मांगी। जबकि वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल फाइनेंशियल वायबिलिटी वगैरह देखता है। वेंचर कैपिटल एंजल इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा पे, एंजल नाम ही लग रहा है, एंजल इन्वेस्टर्स जो बहुत ज्यादा आपके बिजनेस के विषय में नहीं सोचता। जबकि वेंचर कैपिटल तो भाई ये भी एक फर्म ही है, ये भी इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकते, ट्रस्ट होता है एक्चुअली, मैं अगर सीधी बात करूं तो ट्रस्ट होता है वेंचर कैपिटल। तो ये लोग भी पैसा लगाते हैं लेकिन बहुत सोच समझ कर। और अगर मैं बोलूं कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपके पैसा नहीं लगाने वाले, जब इनको लग जाएगा कि हाँ जी बिजनेस चलेगा तो ये पैसा लगाते, बड़े अमाउंट में पैसा लगाएंगे और बीच बीच में भी पैसा लगाएंगे। एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं होते, एंजल इन्वेस्टर्स एक बार पैसा लगाया दैट्स इट, उसके बाद फिर कहीं और से देखो। तो थोड़ी बहुत बातें एक बार रीड करेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। तो बात कर रहे हैं हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स की, इसको यहीं से मैं रीड कर रहा हूं, एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये वाली जो स्टोरी है, ये वाली स्टोरी में बस कुछ नहीं लिखा, इसमें ये लिखा हुआ कि हमारे इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है बैंक से लोन लेने में। एक तो बड़े हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है, बैंक से पैसा ऐसा मिलेगा नहीं। दूसरा जो चल रहा है बैंक से, वो सेटिंग के थ्रू पैसा, इट मीन्स आप एक्चुअल में मेहनत करो स्टार्टअप के लिए और आप चाहोगे कि पैसा मिल जाए तो पहले, ऐसा नहीं है, जिनकी चलती है चलती है। इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है पैसा मिलने की। तो ये पहले पैराग्राफ में ये सारी बातें लिखी हुई है। दूसरा पैराग्राफ हमारा काम का लिखा, एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इम्पोर्टेंट स्मॉल स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर ऑफन, एंजल इन्वेस्टर आर अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर के फैमिली या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्या करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, याद रखना। ये क्यों अंडरलाइन करा रहा हूं, क्योंकि वेंचर कैपिटल वन टाइम नहीं करते, वेंचर कैपिटल बीच बीच में भी पैसा लगाते हैं। और ये जो करते हैं पैसों का इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल शुरू में करते हैं, अर्ली स्टेज में करते हैं। इसकी बात हो रही है एंजल इन्वेस्टर्स की। आगे और देखते क्या लिखा, एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म कंपेयर टू यूजुअली इन्वेस्ट इन द एंटरप्राइज स्टार्टिंग द बिजनेस रेदर देन द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अच्छा, एंजल इन्वेस्टर्स का बेसिक उद्देश्य क्या होता है, हेल्प करना होता है स्टार्टअप में, फर्स्ट स्टेप में। आप वो पॉसिबल प्रॉफिट के विषय में ज्यादा फोकस नहीं करते, जबकि वेंचर कैपिटल प्रॉफिट मोटिव होते, प्रॉफिट को ज्यादा। इन्हीं को और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं तो आप ये देख लोगे। आगे और भी कहानी लिखी है एंजल इन्वेस्टर्स की। एंजल इन्वेस्टर्स क्या क्राउड फंडिंग वाले भी हो सकते हैं, हाँ जी। जो क्राउड फंडिंग मैंने आपको समझाया था ना, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जो पैसा लगाते हैं उनको भी आप एंजल इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं, एक मिनट के लिए। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट, एंजल इन्वेस्टर्स जनरली खुद का पैसा लगाते हैं, जबकि वेंचर कैपिटल क्या करते, पुल्ड करते मनी फ्रॉम मैनी अदर इन्वेस्टर्स। ये काम की चीज़ है। तो अगर मैं कहूँ एंजल इन्वेस्टर्स के विषय में अगर लिखना भी पड़ेगा, सर इतना बड़ा पैराग्राफ तो याद होने से रहा, यस अगर लिखना है तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ जरा सोचते। एंजल इन्वेस्टर्स जनरली वो होते हैं जो स्टार्टअप के बिल्कुल बेसिक में पैसा लगाते, बेसिक से पैसा लगाते हैं। उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्टार्टअप में हेल्प करने का होता है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये खुद का सेविंग यूज करते हैं, जबकि वेंचर कैपिटल लोगों से पैसा इकट्ठा करके, बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके लगाते। बहुत हो गया, इतना भी लिखते हैं वो तो बहुत हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसके विषय में बात हुई है, ये हुई है आपके एंजल इन्वेस्टर्स के विषय में। तीन चीज़ें बता था, बूटस्ट्रैपिंग, दूसरा पैसों का अरेंजमेंट एंजल इन्वेस्टर, एंड तीसरा वेंचर कैपिटल फंड। देखते हैं वेंचर कैपिटल फंड के विषय में क्या लिखा है, यहीं से रीड कर दूंगा, ज़्यादा प्रॉब्लम। वेंचर कैपिटल फंड, और सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। अब वेंचर कैपिटल सुनो क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझ। वेंचर कैपिटल एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट जिनके बाहर से पैसा आता है, उसके पास बाहर से लोगों से इन्वेस्ट करते हैं ट्रस्ट। अब मैं हूँ स्टार्टअप फाइनेंस में, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं ट्रस्ट के पास गया, वेंचर, मैंने कहा सर जी पैसे चाहिए और बड़ा सारा पैसा चाहिए। वेंचर कैपिटल बोलेंगे कि हाँ, वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल बोले ठीक है हम तैयार है पैसे लगाने के लिए,
लेकिन जब ये पैसा लगाते हैं, बड़ा सारा पैसा रिस्क है भाई, तो अगर वेंचर कैपिटल स्टार्टअप फाइनेंस में पैसा लगाते हैं, इनका काम ही होता है, लोगों को भी और पैसे दिए होते, तो वो कहते हैं कि भाई सर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट जहां भी करने वाले हैं, हम भी थोड़ा सा इंटरफेयर करेंगे। इट मीन्स बिल्कुल ध्यान से समझना, वो कहेंगे कि आपका जो बोर्ड है उसमें हमारा भी रोल रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हम स्टेक होल्डर रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, हमको इतना वेंचर कैपिटल से पैसे लेने में फायदा भी है। कैसे फायदा है? मैं स्टार्टअप, सामने वाला वेंचर कैपिटल, तो वो वेंचर कैपिटल जो है बड़ा सा फॉर्म है, जिन्होंने ना जाने लोगों को, कितने लोगों को पैसा दिया, उनका स्टार्टअप में हेल्प किया है, तो अगर मैं जाता हूँ तो मुझे फायदा भी मिलेगा। वो मुझे स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरह से आप पैसों का यूज कीजिए। दूसरा, बीच में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो वेंचर कैपिटल अरेंज कर देगा, कोई प्रॉब्लम। तीसरा, उन लोगों का कांटेक्ट बहुत अच्छा रहता है सप्लायर से और कस्टमर से, तो वो मेरी इस मामले में भी हेल्प करेंगे। उनको तो वो वेंचर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनी में पैसा लगाता है जिसमें वो ये देखता कि इस कंपनी से फटाफट से फायदा होने वाला, ये कंपनी बहुत जल्दी ग्रो होने वाली है। जहां वेंचर कैपिटल को ये लगेगा कि ये कंपनी जल्दी से ग्रो हो जाएगी, ये स्टार्टअप जल्दी से बढ़ेगा, अभी पैसा लगाएगा, जब जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही वो पैसा निकाल लेगा। अभी लगाएगा, अभी स्टॉक खरीदेगा, स्टॉक इक्विटी पार्टिसिपेट करता है, वो इक्विटी मान के चलता खुद को। वेंचर कैपिटल कभी भी पैसा लगाता है तो वो इंटरेस्ट विंटरेस्ट नहीं मांगता, वो इक्विटी पार्टिसिपेट बोलते हैं, सर मैं आपका इक्विटी शेयर होल्डर, इतना स्टॉक मुझे चाहिए, और फ्यूचर में जब वो ग्रो हो जाएगा उस समय बेच के निकल जाएगा। वेंचर कैपिटल उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाता है, वो जल्दी से ग्रो होता है, तो पक्का हेल्प भी करेगा। तो वेंचर कैपिटल से पैसे लेने में कुछ फायदे भी है, बहुत ज्यादा फायदे। एक बार रीड करते हैं, बात समझ में आएगी। वेंचर कैपिटल मींस फंड मेड अवेलेबल फॉर स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेसेस विथ एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल। वेंचर एक्सेप्शनल ग्रोथ, बिट्टे मैंने कहा ना, उन्हीं फॉर्म में पैसा लगाता है वेंचर कैपिटल जिसमें ग्रोथ है। वेंचर कैपिटल मनी इज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल, बेटे ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल हु अलोंगसाइड मैनेजमेंट इन्वेस्ट इन यंग रैपिड, ये सब कहानी लिखी हुई। अब यहाँ की बात समझ, वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली कौन होते हैं? फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनी। मैंने पहले ही कहा था कि ये कहाँ, इनका फोकस क्या रहता है, इनका ये फोकस रहता है कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाना है जो जल्दी से ग्रो होने वाली है, क्योंकि अभी लगाओ, कम पैसा लगाओ, ज्यादा निकालेंगे, शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही, ज्यादा निकालेंगे। दूसरा, जब ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब पैसा देते हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं मांगने वाले, उनको मालूम है कि इंटरेस्ट क्या देंगे यार, ये लोग अभी तो स्टार्टअप कर रहे हैं, वो शेयर ले लेते हैं इक्विटी, और अभी तो सस्ते में मिल जाता है, जैसे ग्रो होगा वो महंगे में बेच के बाहर निकल सकते हैं, तो परचेज क्या करते हैं, इक्विटी। अच्छा, मैंने कहा कि वेंचर कैपिटल से फायदा क्या है इन लोगों से पैसे लेने का, ये लोग बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, ये लोगों को पैसे, ना जाने कितने लोगों का बिजनेस ये स्टार्ट कर दिए होते हैं, तो मेरे बिजनेस में ये लोग पैसा लगाएंगे, तो मुझे भी तो हेल्प करो भाई, आप ही का तो पैसा है और उन्हीं को, तो मुझे हेल्प करो, तो ये हेल्प करेंगे आपके मैनेजमेंट में, हेल्प करेंगे आपके बिजनेस में, हेल्प करेंगे, तो इन लोगों से फायदा लेने में ये आपकी हेल्प करते, असिस्ट करते इसमें डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेस, और ये क्या करते, एक्टिव पार्टिसिपेट करते। मेरी बात समझना, बैंक बैंक से पैसा लेने में बड़ा दिक्कत है, बैंक कभी हेल्प नहीं करेगा, बैंक कहता लोन ले रहे हो, इंटरेस्ट देना, बात खत्म। लेकिन वेंचर कैपिटल से पैसे लेने में फायदा है, वो खुद आपके बिजनेस में एक्टिवली काम करेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगा, आपके कस्टमर ढूंढेंगे, बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में। तो ये सारी चीजें हमको लिखना है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, तो क्या क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़ना है वेंचर कैपिटल की। अब समझ लो क्या क्या चीजें, चार चीजें हमको देखना पड़ेगा। पहली बात, वेंचर कैपिटल अगर पैसे लगा रहा है आपके बिजनेस में, तो कभी भी
4 महीने 6 महीने ऐसा नहीं चलता, क्योंकि वो जो वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो जो पैसा लगाएगा उसको मालूम है कि स्टार्टअप होने वाला है, स्टार्टअप चल रहा है, तो अभी कोई प्रॉफिट तो कमाओगे नहीं आप, तो वो ये मान के चलता ही नहीं कि ये पैसा जल्दी से बाहर निकलेगा। वो ये मान के चलता है कि सर अभी पैसा लगा देते हैं, स्टैक है हमारे पास, हमने इस कंपनी का शेयर ले लिया मान के चलो इस कंपनी का शेयर है, इसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, कंपनी ग्रो होगी, तो वो 1-2 साल नहीं, लंबा पीरियड लगेगा, उसके बाद हम शेयर बेचेंगे। तो सिंपल सी बात है, वेंचर कैपिटल जो पैसा लगाएगा वो शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाएगा पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी बात ये है, जनरली होता क्या है, जैसे मैं हूँ, मैंने किसी कंपनी का अभी शेयर खरीदा, कल को मन नहीं आया तो मैंने बेच दिया, क्या फर्क पड़ता, लेकिन वेंचर कैपिटल जो पैसा लगाते स्टार्टअप में और उसके बदले में उनको जो मिलता, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ, मैंने पैसा लगाया तो बदले में मुझे ये मिल गया पार्टिसिपेट, इक्विटी पार्टिसिपेट, कि हाँ जी ये मेरे पास इक्विटी है, कि ये स्टार्टअप का इतना परसेंटेज का हकदार ऑनर में हूँ, तो क्या इसको मैं इजीली बेच सकता हूँ? नहीं भाई, कोई नहीं खरीदने वाला, स्टार्टअप है। तो ये प्रॉब्लम है कि ये जो पैसा लगा है और मैंने जो पैसा लगाया उसका एग्रीमेंट मैंने मुझको मिल गया कि हाँ मैंने पैसा लगाया हूँ, मैंने कितना लगाया, मैंने 50 लाख रुपए लगाया हूँ, तो क्या मैं ये किसी को बेच सकता हूँ? बेच तो सकते हो पर कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, तो ये लिक्विडिटी नहीं होती है एक्चुअली जो भी आप पैसा लगाते हो, तो ये प्रॉब्लम है लैक ऑफ लिक्विडिटी। तीसरा, क्या रिस्क ज्यादा होती है? होना ही है, वेंचर कैपिटलिस्ट में रिस्क तो ज्यादा होगी, क्योंकि आप पैसा किस में लगा रहे हो, जो बहुत अच्छा चल रहा है या स्टार्टअप? स्टार्टअप, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है उसमें पैसा लगा रहे हो तो काहे का रिस्क, रिस्क तो इसमें है और बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो रिटर्न भी तो ज़्यादा चाहिए, तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा, ये जो पैसा लगाते हैं ये कभी भी आपसे इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे। किस रूप में पैसा लगाते हैं? ये लगाते हैं इक्विटी पार्टिसिपेट, इसमें वो ये लोग आपसे स्टैक वगैरह खरीद लेते हैं, स्टॉक वगैरह, और फिर बाद में क्या करेंगे, बेच देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक में 4 चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैसा लगाते हैं वो लंबे समय के लिए लगाते कि कम समय के लिए? लंबे समय के लिए। दूसरा, वो जो पैसा लगाते हैं, वो जो इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट को बेचा जा सकता है इजीली? नहीं, लिक्विडिटी नहीं रहेगी, बेचा नहीं जा सकता, बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, लैक ऑफ लिक्विडिटी। तीसरी बात, रिस्क कम की ज़्यादा? ज़्यादा, हाई रिस्क। और दूसरी, चौथी बात, किस रूप में पैसा लगाते? इक्विटी, इक्विटी पार्टिसिपेट करते। ओके सर, आगे बढ़ते, अब बताओ बेटे, क्या एडवांटेज है वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लेने का? क्या फायदा है हमको? बैंक की अपेक्षा, एंजल इन्वेस्टर्स की अपेक्षा वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लीजिए, क्या फायदा है? बहुत सारे फायदे, एक तो लंबे समय के लिए मिल जाते हैं, यस, ऊपर से वेंचर कैपिटल रिस्क तो बियर करता ही है, रिस्क एंड रिवार्ड्स, फायदा होगा तो उसका भी होगा, लॉस होगा तो उसका भी होगा, तो दोनों चीज बियर करने को तैयार। तीसरा, उनका इतना एक्सपीरियंस होता है कि उस एक्सपीरियंस को हमारे बिजनेस में वो यूज कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट वगैरह बहुत अच्छा होता है। चौथा, कल को मुझे आईपीओ लाना, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो उनका एक्सपीरियंस होता है वेंचर, वो मेरी हेल्प कर सकते इस मामले में भी। तो बहुत सारे फायदे, एक बार यहाँ देख लेते क्या क्या लिखा है। सबसे पहले, क्या हमें पैसा लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता है? यस, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिल जाता है। दूसरा, क्या ये शेयर करते दोनों ही चीज़, रिस्क एंड रिवर्ड्स? यस, रिस्क एंड रिवर्ड्स, दोनों ही चीज़ शेयर करते हैं, जबकि बैंक में ऐसा नहीं होता सर। बैंक वाले ने एक बार लोन दिया तो भाई बोले आप बर्बाद हो जाओ, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो दोनों का, जिसने पैसा लगाया उसका भी और मेरा भी, लॉस हुआ तो उसका भी मेरा भी। अच्छा, इसके अलावा इनको क्या, ये हमको एडवाइस देते? यस, ये हमको कौन सी, प्रैक्टिकल एडवाइस देते, क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छा होता है। और किस बेसिस पे देते? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इसके अलावा इनका क्या नेटवर्क अच्छा होता है? यस, इनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं बहुत सारे एरियाज में, तो हमको हेल्प मिलेगी, हाँ सर कोई शक ही नहीं है। इसके अलावा ये एक बात और, क्या ये बीच में अगर हमें और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या ये एडिशनल फंड का भी अरेंजमेंट कर देंगे? हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं का तो बिजनेस है तो फंड का अरेंजमेंट कर देंगे। इसके अलावा
क्या इनको एक्सपीरियंस होता है आईपीओ में? यस, इनिशियल पब्लिक ऑफर में अगर हमें जाना है तो इन्हें नॉलेज बहुत अच्छा खासा होता है, तो उस नॉलेज को वो हमारे लिए यूज करेंगे, ये फायदा। इसके अलावा क्या ये ट्रेड सेल में भी हमारी हेल्प कर सकते हैं? तो अगर बोला जाएगा कि एडवांटेज बताइए भाई वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लेने में एडवांटेज, और मुझे लिखना है अपने लैंग्वेज में, तो एक बार थोड़ा सा रट्टा मार दे क्या क्या याद हो गया। पहली बात, क्या ये लंबे समय के लिए पैसे दे देते? यस। क्या ये फायदे में, हमें प्रॉफिट हो रहा तो शेयर करेंगे करेंगे, पर अगर लॉस है तो भी क्या वो बियर करेंगे? यस। तीसरी बात, क्या उनका नेटवर्क अच्छा होता है हर एरिया में? यस, उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं तो वो मेरे बिजनेस में हेल्प हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो आईपीओ वगैरह मुझे लाना है तो उसमें हेल्प हो जाती है मुझे। और क्या फ़ायदा है स्टार्टअप को? स्टार्टअप को और ये फ़ायदा है कि एडिशनल अगर पैसे लगते हैं हम लोगों को बीच में तो वो फंड भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लेने में, तो एडवांटेज। अब बात ये है कि स्टार्टअप जो होता है, सुना ध्यान से, स्टार्टअप, तो स्टार्टअप में वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे कब लगाता है? अब स्टार्टअप में स्टेजेस कितनी होती है ये देखना पड़ेगा। पहले होता स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, अभी रिसर्च का काम चल रहा है, और रिसर्च के काम में भी तो पैसे लगते हैं। हम वेंचर कैपिटल, हालांकि वेंचर कैपिटलिस्ट बड़ी मुश्किल से पैसे लगाते हैं, यहाँ एंजल इन्वेस्टर्स लगाते हैं, पर फिर भी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए हम लोग, हमने कहा वेंचर कैपिटलिस्ट सुनो हम अब एक कुछ रिसर्च किया है और हमको पैसों की ज़रूरत है, और वो पैसे देने को तैयार हो गए, तो उस पैसों को बोला जाता है सीड मनी। सीड मनी मतलब, सीड मतलब समझते हो ना, बिल्कुल अभी शुरुआत ही है और अभी हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हमें अभी भी पैसे मिल सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है जो भी पैसा लगा, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट सोचेगा यार अभी तो रिसर्च चल रहा है भाई, उसी में पैसे मांग रहे, सक्सेस होगा नहीं होगा बड़ी दूर की बात है। तो ये जो पैसा ब्लॉक होगा उनका, ये बहुत ज़्यादा समय के लिए ब्लॉक। वेंचर कैपिटलिस्ट से मैं पैसे ले रहा हूँ और अभी मेरा रिसर्च ही चल रहा है, तो मैं उनसे क्या बोलूँगा, पैसे कब वापस करूँगा? बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा रिस्की है, उसको कौन सा सीड मनी बोला जाता है, रिसर्च का काम। उसके बाद जिस तरह से रिसर्च, चलो कोई बात नहीं, मैंने अभी नहीं मांगा, मैंने कहा चलो मैं रिसर्च तो कर लेता हूँ, रिसर्च वगैरह किया फाइनली, अब हमारा काम क्या हो रहा है, अब हमें एक्सपेंसेस मार्केटिंग वगैरह का काम करना है, स्टार्ट प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट के मार्केटिंग करना, पता करना बिकेगा नहीं बिकेगा, बहुत सारी बातें हैं, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। यस, उसको क्या बोला जाता, उसको बोला जाता स्टार्टअप। अब मेरा काम पहले पैसा मिलेगा सीड मनी रिसर्च के लिए, दूसरा अब स्टार्टअप। एक बार मार्केटिंग वगैरह हुई तो क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा? यस। तो चाहो तो वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ इस स्टेज पे पैसा दे सकता, चाहो तो फर्स्ट राउंड में पैसा दे सकता, फर्स्ट राउंड का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के, चाहो तो सेकंड राउंड में के लिए पैसा दे सकता, जब मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया अब वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए तो वहां के लिए दे सकता, या तो फिर एक काम कर सकते हैं, हम एक्सपांड कर रहे हैं बिजनेस को, बढ़ा रहे हैं, मतलब हम बहुत आगे निकल चुके हैं, रिसर्च हो चुका है, मार्केटिंग हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, वर्किंग कैपिटल हो चुका है, बिल्कुल अब प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोग, हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तब हम पहुंच सकते हैं वेंचर कैपिटल। हालांकि यहाँ रिस्क कम होगा उन लोगों को, उन्होंने कहा चलो यार एक्सपेंशन हो रहा ना कोई बात नहीं, ले लो पैसे, मिल ही जाना दो तीन सालों में। और फाइनली अब हम आईपीओ लाने वाले हैं, तो आईपीओ तुरंत तो नहीं आएगा, तो हम वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे ले सकते हैं, जब आईपीओ आएगा हम पैसे वापस कर देंगे। लास्ट फोर्थ राउंड बहुत कम रिस्की होता है, ब्रिज फाइनेंस बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं स्टेजेस कितनी है, स्टेजेस ऑफ, पहला सीड मनी किस लिए, ये न्यू आइडिया के लिए, क्या ये बहुत ज्यादा रिस्की है? यस, और बहुत ज्यादा समय के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा ब्लॉक हो जाता है। दूसरा स्टार्टअप, स्टार्टअप क्या एक्सपेंसेस एसोसिएट विथ मार्केटिंग, मार्केटिंग वगैरह के लिए पैसे चाहिए, ये भी रिस्की है, स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ के लिए भी पैसे दे सकता है, जिसको बोला जाता है स्टार्टअप। तीसरा जब मार्केटिंग होगी तो क्या आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो? यस, इसको क्या बोला जाता था फर्स्ट राउंड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ भी पैसे इस स्टेज पे भी पैसे ले सकते हो आप, इस पे मतलब इसमें ले लो चल जाएगा। सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में मतलब वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए अरेंजमेंट करना, तो सेकेंड राउंड यहाँ पैसे को अरेंज, या तो थर्ड राउंड, थर्ड राउंड में क्या हो रहा आप
न्यू कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी वगैरह को एक्वायर कर रहे हो उसके लिए, ये तो एक्सपेंशन हो गया। एंड फोर्थ राउंड में आप आईपीओ लाने वाले, गोइंग पब्लिक प्रोसेस, इसके लिए भी आप पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हो। तो टोटल अगर मुझे लिखा जाए स्टेजेस कितनी है, तो एक तो सीड मनी एक स्टार्टअप हो गया, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दैट्स इट, इतना लिख दोगे काम खत्म हो जाएगा। जैसे स्टेजेस ऑफ, स्टेजेस हो गया कि ये स्टार्टअप कैसे होता, किस तरह से पैसे मिलता, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। लिख देता हूं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सर ये है क्या चीज एक्चुअली? एक्चुअल में ऐसा है बेटे कि अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास या वेंचर कैपिटल फंड के पास पैसों का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, पैसे लेने जा रहे हैं, उधार लेने जा रहे हैं, तो क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या स्टेप्स होगी वो चीज बता रहा है कि वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, तो किस तरह से काम होगा जरा देख लेते एक बार। काम ऐसे होगा कि सबसे पहले आप जाते हो वेंचर कैपिटल के पास, तो क्या डील होगी, डील स्टार्ट कैसी होगी, ओरिजिनेशन, डील ओरिजिनेशन किस तरह से काम होगा। एक्चुअल में वेंचर कैपिटलिस्ट से आपको मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें जो इंटरमीडियरी है या उसके जो इम्प्लॉयज है सबसे पहले उनसे काम करना होगा, और उन इम्प्लॉयज को वेंचर कैपिटल फंड पहले से बता देता है कि हमारा फोकस किस सेक्टर में होगा। इट मींस कि वेंचर कैपिटल पहले ही अपने इंटरमीडियरी के थ्रू होता है, जनरली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो डील करवाते हैं। तो पहली स्टेज जो होती होगी वो होगी वो डील ओरिजिनेशन, और उसमें बताया जाता होगा, पहले ही बता देते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट किसको पहले से बता देते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि देखो साहब हम उन्हीं स्टार्टअप को पैसे देने को तैयार होके जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में स्टार्टअप कर रहा है, हम हर सेक्टर के लिए फाइन, तो ये बता दिया जाता होगा, तो यार एम्प्लॉयज को ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता। दूसरा, हमें किस स्टेज पर फाइनेंसिंग करना, हमें सीड फाइनेंस है या फर्स्ट या फिर सेकंड स्टेज पर, ये सब बताया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, डील ओरिजिनेशन, पहला स्टेज। अच्छा, तो सर पहला काम होगा डील ओरिजिनेशन पर, डील ओरिजिनेशन। चलो भाई, तो अब बात हो गई इंटरमीडियरी से, बात हो गई हमारी, मैं स्टार्टअप फाइनेंस के लिए जा रहा हूँ, वेंचर कैपिटल सबसे पहले मेरा एम्प्लॉयज या फिर उसके इंटरमीडियरी से बात हो चुकी है, डील हो चुकी है कि यार मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस तरह से, मैंने बहुत कुछ बताया। फाइनली वो लोग जो चाहते थे उस सेक्टर में ही तो मैं काम करने वाला हूँ, तो डील हो गई। इसके बाद क्या होगा, क्या वो एम्प्लॉयज बोल देंगे या जो इंटरमीडियरी बोल देंगे कि हाँ जी हो गया अब तो क्या काम हो जाएगा? नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग का मतलब देखा जाएगा, और वो तो अभी एम्प्लॉई के हिसाब से हुआ था, अब जो हायर लेवल की जो कमिटी है ना वेंचर कैपिटल की, वो स्क्रीनिंग करेगी कि हाँ जी हमें इस स्टार्टअप में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो सेकंड काम क्या होगा, स्क्रीनिंग वाला काम होगा, जो हायर लेवल की कमिटी करेगी स्क्रीनिंग। ओके सर, अब जैसे ही स्क्रीनिंग खत्म होगा तो अब और कमिटी जो है वो तैयार होगी कि हाँ जी इस स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहिए। फाइनल हो गया, डील किसने स्टार्ट किया था, इंटरमीडियरी ने, एम्प्लॉयज ने। ओके, और स्क्रीनिंग कौन करेगा, हायर लेवल की कमिटी वेंचर कैपिटल। और अब फाइनल हो गया कि हाँ यार इस स्टार्टअप में हमको पैसा लगाना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ड्यू डिलीजेंस। सर ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या हो गया बेटे, जो पेपर्स जो बताए जा रहे हैं स्टार्टअप फाइनेंस के लिए, जो हमारे पास आया है वेंचर कैपिटल के पास, वो जो पेपर्स जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आया है वो सही है या नहीं है, इसको भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो
तो सर इसको वेरीफाई कौन करेगा? इंडिपेंडेंट कमिटी कोई भी होगी, इंडिपेंडेंट पर्सन, वो वेरीफाई करेगा कि आपके पेपर सही है कि नहीं है। हालांकि उसको फीस देना पड़ेगा। फीस कौन देगा? फीस चाहो तो वेंचर कैपिटल दे दे, चाहो तो जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स वेंचर कैपिटल, और जिसको पैसा चाहिए इन्वेस्टी, वो दोनों की दोनों शेयर कर ले। इट मीन्स इसके बाद क्या काम होगा? ड्यू डिलिजेंस वाला काम होगा। अब फाइनल हो गया, पेपर वगैरह सब बिल्कुल सही निकले, टेंशन खत्म, नहीं वेरीफाई हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद क्या सर पैसा मिल जाएगा? इसके बाद डील स्ट्रक्चर होगा। सर डील स्ट्रक्चर का मतलब ये तो काम की चीज है। उसके बाद फाइनल, अब उसके बाद हम में वेंचर कैपिटल में स्टार्टअप फाइनेंस के लिए तैयार हो गया। मैं तैयार हो गया कि हाँ जी मैं पैसे देने को तैयार हूँ, पर पैसे तो दे रहा हूँ, बदले में मुझे मिलेगा क्या? फाइनल हुआ कि आपको इक्विटी मिलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इक्विटी को अब मुझे क्या मिला? मैं वेंचर कैपिटल, मैंने पैसा लगाया, ओके, बदले में मुझे इक्विटी पार्टिसिपेट मिला, स्टैक मिल गया। अब ये बताओ, मैं पूछूंगा कि इन शेयर्स को क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ पब्लिक में, या फिर इन शेयर्स को आप स्टार्टअप फाइनेंस स्टार्टअप, क्या आप इन शेयर्स को बायबैक कर लोगे, क्या प्रमोटर बायबैक करेगा? ये सब मान लो मेरा ये शेयर्स कुछ साल बाद पब्लिक में नहीं बिका, तो क्या इसको बायबैक कर लिया जाएगा? और बायबैक कर लिया जाएगा तो क्या मुझे रिटर्न भी मिलेगा? ये सारी चीजें स्ट्रक्चर सेट होगा तभी तो। इट मीन्स अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाया है, इन शेयर्स मिले मुझे, तो मुझे कुछ साल बाद क्या 10 लाख से ज्यादा मिलेगा अगर पब्लिक ने शेयर नहीं खरीदा, ये ट्रांसफर नहीं कर पाया? तो ये सारी चीजें, इसको क्या बोला जाएगा? डील स्ट्रक्चर। डील स्ट्रक्चर सर हो गया, डील स्ट्रक्चर भी हो गया फाइनली। इसके बाद हम पैसा दे देंगे। किसको पैसा दे देंगे सर? इसके बाद हम स्टार्टअप में पैसा लगा देंगे, वेंचर कैपिटल। और जब स्टार्टअप में पैसा लग गया तो स्टार्टअप क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। अब जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी में क्या वेंचर कैपिटलिस्ट का भी रोल रहेगा? हाँ बिल्कुल। उसका जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्या उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, इसको बोला जाता है पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और उसके लास्ट, इट मींस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बाद, हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, इन्वेस्टमेंट के बाद हमारी क्या एक्टिविटीज रहेगी, वेंचर कैपिटल की क्या एक्टिविटीज रहेगी, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। एंड लास्ट, और लास्ट क्या है? एग्जिट प्लान। सर ये क्या है कि भाई वेंचर कैपिटल ने पैसा लगा तो दिया, लेकिन एक बार लगाने के बाद हमेशा हम उस स्टार्टअप में फंसे नहीं रहेंगे। आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद हमें वो पैसा वापस चाहिए। अब जो पैसा लगाया वो पैसा वापस कैसे मिलेगा? इट मीन्स वो जो स्टॉक है, जो स्टॉक्स मिले, जो इक्विटी मिला है, या तो हम पब्लिक में बेच दें, या तो स्टार्टअप जिनका मेन बिजनेस है, जो प्रमोटर है, वो हमसे आप बायबैक कर लीजिए। हमने अगर 50 लाख रुपया लगाया है तो हमें 70 लाख रुपये वापस कर दो, फॉर एग्जाम्पल। इट मीन्स आप हमारे शेयर्स बायबैक कर लीजिए। ये भी एक, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, तो बाहर निकलने का तरीका। तो टोटल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस टोटल मिलाकर आपको कितनी स्टेजेस याद रखनी पड़ेगी? 6। पहला काम क्या होगा? डील ओरिजिनेशन होगा, ठीक है, डील करवाई जाएगी। उसके बाद काम किसका होगा? स्क्रीनिंग होगा, हायर कमिटी स्क्रीनिंग करेगी, चेक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वेरीफाई हो गए पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद डील स्ट्रक्चर बनेगा कि किसको कितना दिया जाएगा वापस। फिर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होगा, और एग्जिट। ये 6 चीजें आपको पढ़ना है। अब बात ये है कि सर इसको एक बार रीड कर ले। यस, तो सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा हूं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, और सबसे पहली स्टेज क्या दिख रही है आपको? डील ओरिजिनेशन। डील ओरिजिनेशन जनरली कौन करवाता? इंटरमीडिएरी, या फिर, और होते कौन है ये? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, ठीक है।
अच्छा, और इसमें क्या होता है, इसमें ना बताया जाता है इंटरमीडियरी को, वेंचर कैपिटलिस्ट बता देते हैं कि किस सेक्टर में फोकस करना है, किस स्टेज पर हमको पैसे लगाना है, या फिर कौन से प्रमोटर्स रहेंगे जिस पर हमको फोकस करना है, या फिर एक टर्नओवर बता दो जिस पे हमको उसके ऊपर के लिए स्टार्टअप में हमको फोकस करना है। ये सारी चीजें डिटेल बिजनेस प्लान होता है, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद क्या, डील ओरिजिनेशन, इसके बाद सेकंड स्टेज क्या होगी, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में कौन स्क्रीनिंग करेगा, जनरली स्क्रीनिंग कौन करेगा, कमिटी, और वो भी कौन सा, सीनियर लेवल का ये स्क्रीनिंग होगा। इसके बाद क्या होगा, ये कौन सा होगा हमारा सेकंड, उसके बाद होगा ड्यू डेलिजेंस। ड्यू डेलिजेंस में क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है वो सही है कि नहीं। वेरीफाई किसका, वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। जनरली कौन करता है, एक्सटर्नल बॉडीज वगैरह करती है, और फीस कौन पेड करता है, फीस वेंचर कैपिटल। चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, शेयर्ड भी कर सकते हैं। ड्यू डिलिजेंस के बाद फिर हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है, डील स्ट्रक्चरिंग। डील स्ट्रक्चरिंग में होगा क्या, डील स्ट्रक्चरिंग में ये होगा कि इस तरह से डील की जाए कि दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन, दोनों पार्टी। अच्छा, इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें ये बताया जाएगा कि जो हम पैसा लगा रहे हैं, प्रमोटर क्या रिटर्न रखेगा, बायबैक, वो शेयर्स को क्या बायबैक कर लेगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होगी, तो ये आप इसको रीड कर लोगे, हालांकि मैंने डिस्कस कर चुका। इसके बाद क्या रहेगा, फाइव, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में क्या होगा, तो पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में वेंचर कैपिटल क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा अपने नॉमिनेट, कहाँ नॉमिनेट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने नॉमिनी भी डाल देगा। सर क्यों, ताकि स्ट्रांग हो जाए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बजटिंग सिस्टम वगैरह, ये सब पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। और इसके बाद छठवां क्या रहेगा, लास्ट, सिक्स नंबर पर, एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान में प्रमोटर या जो कंपनी है वो डिटेल में एग्जिट प्लान बताएगा। इट मीन्स इसमें दो तरीके हैं, पहला, या तो वेंचर कैपिटलिस्ट अपने शेयर को सेल कर देगा थर्ड पार्टी को, या तो फिर जो आईपीओ वगैरह के थ्रू हो जाएगा, या तो क्या किया जा सकता है, या तो सेकंड वे क्या हो गया, सेकंड वे हो गया कि प्रमोटर वापस क्या कर सकता है, बायबैक कर सकता है। जनरली ये 18-25% ज्यादा में बायबैक कर सकता है, तो ये एग्जिट प्लान भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका इन्वेस्ट वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो अब इसके फिर हम आगे देख रहे हैं कि क्या क्या लिखा हुआ, आगे कुछ और भी बातें बेटे वेंचर कैपिटल में, इवोल्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया। ये जनरली क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये आना भी नहीं है, बाय चांस ये क्वेश्चन आएगा। इसमें ये बताया गया है कि वेंचर कैपिटल का जो स्टार्टिंग है वो इंडिया में किस तरह से हुआ, किस तरह से बैंकों ने काम किया, किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया, ये सब कहानी किससे है। तो मेरे ख्याल से ये पढ़ लोगे, इसमें IDBI, ICAI वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बताया गया, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ किस तरह से 95 में क्या हुआ था, 97 में क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है, कम ही आया है। अब हमारे काम की चीज़ें आती हैं, पॉइंट नंबर 5 हम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या, स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ फंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, 1 फॉर डोमेस्टिक फंड एंड 2 फॉर ऑफशोर। अब समझना मेरी बात, अब काम की चीज है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से समझना। एक बात बताऊं, वेंचर कैपिटल, सुनना, मैं हूं वेंचर कैपिटल, मुझे पैसा लगाना किसी और के बिजनेस में, स्टार्टअप। मेरे पास जितने भी आते हैं ना स्टार्टअप फाइनेंस वाले, स्टार्टअप के लिए मैं वेंचर कैपिटल पैसे लगाता हूं। तो सर, वेंचर कैपिटल के पास पैसे कहां से आते होंगे, इन्वेस्टर्स। मैं छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसे लेता हूं, छोटे छोटे लोग होते हैं जो बहुत सारा पैसा स्टार्टअप में, वो लगाना तो चाहते हैं स्टार्टअप में, पर
बहुत सारा पैसा नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हूँ वेंचर कैपिटल, मैं छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसे लेता हूँ और फिर इसको स्टार्टअप में लगाता हूँ, वहां से जो रिटर्न आता है मैं वापस कर देता हूँ, मैं हूँ वेंचर कैपिटल। तो सर ये जो वेंचर कैपिटल फंड है क्या ये ट्रस्ट होता है? हाँ ट्रस्ट होता है, LLP भी हो सकता है, ये ट्रस्ट होता मान लीजिए सर। तो जो वेंचर कैपिटल फंड है उसमें बाकी लोग इन्वेस्ट करती है पब्लिक? यस। तो सर उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स सिर्फ इंडिया के ही हो सकते कि बाहर के भी हो सकते? दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर उस फंड में सिर्फ इंडिया के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ डोमेस्टिक होम यहाँ के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फंड को डोमेस्टिक फंड बोला जाता है। और अगर बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के नहीं बाहर के लोग, तो बाहर मतलब ऐसे फंड को ऑफशोर फंड बोलेंगे। समझ में आया? अगर इंडिया के ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे वेंचर कैपिटल फंड में तो डोमेस्टिक, अगर विदेश के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑफशोर फंड बोला जाएगा। इसमें भी दो कैटेगरी, एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं। देखा डोमेस्टिक फंड मतलब वेंचर कैपिटल, सिंपल सी बात है डोमेस्टिकली, और यूजली स्ट्रक्चर्ड, ये स्ट्रक्चर्ड फंड भी बोला जाता है। अब इसमें दो पॉइंट है, पढ़ना अच्छे से क्या लिखा। डोमेस्टिक व्हीकल फॉर पुलिंग ऑफ फंड, पुलिंग ऑफ फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, सीधी सी बात है। पुलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करते, इकट्ठा करोगे इन्वेस्टर्स से। और सर जो डिसीजन लिया जाएगा वो कौन लेगा? इट मीन्स इकट्ठा तो हो गए फंड, अब उसको इन्वेस्ट भी तो करना, तो इन्वेस्टमेंट जो करना उस पर डिसीजन कौन लोगे? बात समझना, फंड कहाँ से? डोमेस्टिक यहीं के लोगों से इकट्ठा तो हो गया, ये काम तो हो गया, अब उसको इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कौन लेगा उसको पढ़ते हैं। अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा, सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा, उसकी ड्यूटी होगी, दोज ड्यूटी ऑफ एसेट मैनेजर, सिंपल सी बात यही बताया। द चॉइस ऑफ एंटिटी फॉर पुलिंग व्हीकल फॉल्स बिटवीन ट्रस्ट एंड अ कंपनी। इट मींस जो वेंचर कैपिटल फंड बनेगा, वेंचर कैपिटल फंड या तो वो ट्रस्ट हो सकता है या तो वो कंपनी हो सकता है, बस यही बात किया, या तो ट्रस्ट हो सकता है या तो कंपनी हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सर डोमेस्टिक फंड कितने टाइप के फंड होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड कितने टाइप के? एक डोमेस्टिक फंड हो गया और एक कौन सा? ऑफशोर फंड। डोमेस्टिक फंड में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो लोग उस फंड में पैसा लगाते हैं वो कहाँ के लोग होंगे? वो यहीं के लोग होंगे, इंडिया के लोग होंगे। और उसमें जो वेरी एंड उसमें और एक पर्सन कौन होगा? सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा, जो आपको आपको बताएगा, एडवाइस करेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। और जो वेंचर कैपिटल फंड है वो क्या हो सकता है? या तो कंपनी हो सकता है या तो ट्रस्ट हो सकता है, ये सारी बातें यहाँ बताया। ओके, अब बात करते हैं किसकी? ऑफशोर फंड। ऑफशोर फंड, अब ऑफशोर फंड बिल्कुल ध्यान से समझ, उसने दो तरीके के बताया, पहला ऑफशोर स्ट्रक्चर और दूसरा यूनिफाइड स्ट्रक्चर। पहले मैं समझा देता हूं फिर रीड करवा दूंगा। सर ये क्या चीज है? डोमेस्टिक फंड खत्म, अब बात करते ऑफशोर। ऑफशोर फंड में जो पैसा लगाया जाता है वो कौन लोग लगाते? सर बाहर के लोग लगाते। यस, बाहर के लोग लगाते हैं। किस में लगाते हैं? वेंचर कैपिटल फंड में। और वो ऑफशोर फंड क्या करता है? इंडिया में इन्वेस्ट करता है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। यहाँ तक बात समझ में? इसको बोला जाता है ऑफशोर स्ट्रक्चर। लेकिन एक ऐसा, फिर से समझना, एक ऐसा वेंचर कैपिटल फंड जिसमें बाहर के लोग तो पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में इंडिया के लोग भी पैसा लगा देंगे। इट मीन्स यहाँ बाहर विदेश से भी पैसा लगा सकते हैं इन्वेस्टर्स और इंडिया वाले भी पैसा लगा सकते हैं, ऐसे फंड को बोला जाता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। डोमेस्टिक में कौन पैसा लगाएगा? डोमेस्टिक फंड में सिर्फ और सिर्फ यहीं के लोग पैसा लगाएंगे। ऑफशोर फंड में दो चीजें, ऑफशोर स्ट्रक्चर में कौन पैसा लगाएगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले पैसा लगाएंगे। और यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होगा? इसमें बाहर वाले भी पैसा लगा सकते हैं और इंडिया वाले भी पैसा लगा सकते हैं।
समझाने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान से। ऑफशोर फंड दो तरीके है, दो स्ट्रक्चर है, ऑफशोर स्ट्रक्चर है यूनिफाइड, पढ़ना भी डिस्कस। लिखा ऑफशोर स्ट्रक्चर, अंडर दिस स्ट्रक्चर एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या लिमिटेड पार्टनरशिप मैक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करेंगे डायरेक्टली इनटू इंडियन पोर्टफोलियो कंपनी, मतलब वो स्टार्टअप में फाइनेंस कर सकते, स्टार्टअप के लिए फाइनेंस कर सकते। एसिड आर मैनेज, लेकिन एसिड जो मैनेज करेगा वो कौन करेगा, ऑफशोर मैनेजर, मतलब बाहर का ही पर्सन भी एसिड को भी मैनेज करेगा। वाइल द इन्वेस्टमेंट जो एडवाइजरी जो देगा वो कहाँ से दी जाएगी, इंडिया से। ड्यू डिलीजेंस कहाँ से होगा, इंडिया से। फिर से समझा रहा हूँ, समझना इस बात को अच्छे से। ऑफशोर स्ट्रक्चर में काम क्या होगा, फंड कहाँ के लोग बनाएंगे, बाहर के, विदेश के लोग। इन्वेस्टमेंट कौन लोग करेंगे, बाहर वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम जो करेगा वो कहां से होगा, इंडिया से होगा। पोर्टफोलियो कौन मैनेजमेंट करना, बाहर वाले, लेकिन उसका ड्यू डिलीजेंस वगैरह उसको कौन फॉलो करेगा, उसको इंडियन पर्सन फॉलो करेगा, ठीक है। और इसके बाद और मैंने क्या बताया, यूनिफाइड स्ट्रक्चर। यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, व्हेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फिर से सुनना बेटे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फंड, अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर इज यूज्ड। इट मीन्स बाहर वाले जो फंड बनाए हुए है उस पर डोमेस्टिक पर्सन भी इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ओवरसीज इन्वेस्टर पुल देयर एसेट, ओवरसीज इन्वेस्टर जो होंगे वो ओवरसीज इन्वेस्टर पुल करेंगे एसेट्स को, किसमें, ऑफशोर व्हीकल में, और फिर इन्वेस्ट करेंगे ट्रस्ट में, ठीक है। जबकि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर वो सीधा सीधा कहां कंट्रीब्यूट कर देंगे, ट्रस्ट में, और फिर उसके बाद ट्रस्ट कहां पैसा लगाएगा, स्टार्टअप में। बाहर वाले कहां एक व्हीकल बनाएंगे और वो करेंगे ट्रस्ट में, जबकि डोमेस्टिक लोग सीधा ट्रस्ट में इन्वेस्ट करेंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूनिफाइड स्ट्रक्चर, और फिर ये पैसा कहां लगाया जाएगा, स्टार्टअप। तो अगर क्वेश्चन आ गया बाई चांस, थोड़ा सा टेक्निकल था ये, अगर क्वेश्चन आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया, तो आपको याद रखना कितने टाइप के फंड है, दो टाइप के, डोमेस्टिक फंड और ऑफशोर फंड। डोमेस्टिक फंड में पैसा कहाँ से लगेगा, यहीं के लोग पैसा लगाएंगे फंड में, और फंड क्या करेगा, स्टार्टअप के लिए फाइनेंस करेगा। ऑफशोर फंड में दो तरीके हैं, कौन कौन से, एक तो ऑफशोर स्ट्रक्चर है, ऑफशोर फंड सीधी सीधी ऑफशोर स्ट्रक्चर हो गया, और क्या बताया मैंने इसके अलावा, यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ऑफशोर स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ पैसा कहां से लगेगा, बाहर वाले पैसा लगाएंगे और उसको स्टार्टअप में दे देंगे। लेकिन यूनिफाइड स्ट्रक्चर में पैसा डोमेस्टिक का सकते हो, बाकी आप ये रीड करो। तो ये था पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया नाम सुना है आपने, नाम सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी ने स्कीम लेकर आया स्टार्टअप इंडिया। सर ये नॉर्मल स्टार्टअप है, नहीं बेटे, स्टार्टअप इंडिया करके ये स्कीम लाई गई है, स्पेशली गवर्नमेंट ने लेकर आया है। और वजह क्या था, स्टार्टअप इंडिया में ये प्रोत्साहन दिया गया कि नए नए लोग हैं, नया नया आइडिया सोचिए और कुछ नया काम कीजिए, और अगर आप नए नए स्टार्टअप करते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट दे रही है। आपको टैक्स 3 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, आपको लेबर एक्ट फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है स्टार्टअप इंडिया। तो इससे होता क्या, अगर टैक्स नहीं लगेगा, बहुत सारा एक्सपोर्ट ड्यूटी में थोड़ा एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब इतना कुछ फायदा है, ये फायदा क्यों दिया जा रहा है स्टार्टअप इंडिया में, ताकि लोग नए नए आइडिया सोचे और काम करे, स्टार्टअप के लिए काम करे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, पर कौन कौन से किसको स्टार्टअप माना जाए, बात तो ये है। पहले से कोई कंपनी है हम उसको स्टार्टअप मान ले, नहीं, स्टार्टअप फिर वो कैसा स्टार्टअप हुआ। तो यहां कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और देखो क्या लिखा है, एन एंटिटी, बट ये गवर्नमेंट स्कीम है, ये किसके लिए बात हो रही है, ये बात उन लोगों के लिए हो रही जो फायदा उठाना चाहते स्टार्टअप का, मतलब टैक्स नहीं देना चाहते है, और 2-3 साल तक एग्जेम्पशन है, लेबर लॉ वगैरह बहुत सारी चीजें एग्जेम्प्ट होने वाले, आप लेबर एक्ट एग्जेम्प्ट होने वाला। तो वही आपसे बोल रहा है
कि हाँ, लेकिन ये कब किसको मानोगे स्टार्टअप, ये बोल रहा है। इट मीन्स अगर वो आपको वो बेनिफिट लेना चाहती है तो किसे स्टार्टअप माना जाए। एन एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज। आपको स्टार्टअप करना है तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए फर्स्ट, या तो वो लिमिटेड लायबिलिटी LLP होना चाहिए, या तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। इट मीन्स अगर देखा जाए तो तीन चीजों पे फोकस हो रहा है बेटे, कौन कौन सा, या तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड, या तो LLP होना चाहिए, या तो फिर पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसे स्टार्टअप के फायदे नहीं मिलेंगे, नहीं उसे स्टार्टअप मानेंगे नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट से फायदा उठाना है, आपको स्टार्टअप करना है, तो पहली बात या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, या तो पार्टनरशिप फर्म। चलो बना लिए, अब उसके बाद क्या करना। उसके बाद ये बोल रहा है अप टू 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स ये हुआ इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, या तो अभी कर लो, या तो पहले भी किया हो तो भी फायदा मिल जाएगा, लेकिन 10 साल। इट मीन्स अगर आपकी कोई कंपनी या फर्म, प्राइवेट कंपनी या फर्म 10 साल से पहले की है तो भाई उसको हम स्टार्टअप नहीं मानेंगे। स्टार्टअप कब माना जाएगा, 4 साल पहले की है, 3 साल पहले की, तो हम उसको फायदा दे देंगे, उसको स्टार्टअप। हालांकि ये जो लिमिट है पहले 5 साल लिखी थी, आजकल 10 साल हो गए। सर मान लो एक कंपनी है जो हमने 6 साल पहले बनाया था, क्या वो इस क्राइटेरिया में फंस जाएगा? हाँ। पर कोई फर्म है या कोई कंपनी जो 10 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी उसको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। अभी अभी स्टार्ट हुई, अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है तो हम उसको स्टार्टअप मान लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें होना चाहिए। और काम की चीज कितना साल, 10 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में से वो इनकॉर्पोरेशन हुई है 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स नई कंपनी हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, पहले ये 25 करोड़ हुआ करता था, अब 100। अब कंडीशन याद रखो, कंडीशन प्राइवेट लिमिटेड या फिर पार्टनरशिप फर्म या तो LLP। कितने साल हुए, 10 साल से ज्यादा ना हुए हो, और किसी भी साल टर्नओवर कितने ज्यादा ना हुआ 100 करोड़ से। अगर आप बड़ी कंपनी हो गई है, 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो गया, तो भैया आपको काय का एग्जेम्पशन, कोई टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं। तो 100 करोड़ से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो हम उसको स्टार्टअप नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। और इसके अलावा और भी कंडीशन है, और आप क्या कर रहे हो सर, कोई भी काम करेंगे तो स्टार्टअप हो जाएगा कि नहीं? आप वर्किंग कर रहे हो किसका, या तो आप इनोवेशन कर रहे हो, या तो डेवलपमेंट कर रहे हो, या तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, किसका, किसी प्रोडक्ट का, या प्रोसेस का, या सर्विस का। इट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट है पहले से मार्केट में है तो उस प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या पहले से कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी हम उसको क्या मानेंगे, स्टार्टअप मानेंगे। कुछ नया होना चाहिए तभी स्टार्टअप, या फिर पुराना भी है, ओल्ड भी है, पहले से प्रोडक्ट है और उसका आप एक्सपांड कर रहे हो, मतलब बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो भी उसको स्टार्टअप मान लेंगे। ये बात इसमें लिखी हुई है। ठीक है, और आगे बात क्या है, लेकिन एक बात है, आप गवर्नमेंट को बेवकूफ नहीं बना सकते। बेवकूफ नहीं बनाने का मतलब, मान लो एक कंपनी रिलायंस, वो अपना एक अलग से स्प्लिट कर रहा है फर्म को, वो बोलते ये तो अभी अभी नहीं हुए, बोले नहीं आप किसी कंपनी को स्प्लिट कर रहे हो तो उसको आप, हम नहीं मानेंगे कि अभी से इनकॉर्पोरेशन हो रही, या फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको भी आप ये नहीं मान सकते हो कि ये नई कंपनी, पहले से एग्जिस्टेंस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये बोलो प्रोवाइडेड दैट एनी सच एंटिटी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप आर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप।
फायदा क्या है, फायदा टैक्स वैक्स का एग्जम्पशन हो जाएगा। एक बार देख ले, अगर आए स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है उसके विषय में लिखे, तो पहली बात स्टार्टअप इंडिया स्कीम में अगर ऐसा स्टार्टअप हो रहा है तो बदले में बहुत सारे छूट है, बहुत सारे एग्जम्पशन है, टैक्स वैक्स से छूट है, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन सी कंपनी आएगी। पहली बात, या तो आपका प्राइवेट कंपनी होना चाहिए या LLP होना चाहिए, या फिर क्या होगा पार्टनरशिप फॉर्म होगा चलेगा। कब इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, 10 साल से पहले पहले, इट मीन्स लेटेस्ट होना चाहिए, 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कितने करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप जो काम करने वाले हो वो नया प्रोडक्ट या सर्विस उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या ओल्ड प्रोडक्ट भी है पर उसका आप एक्सपांसन कर रहे हो ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। शर्त ये है कि कंपनी ऐसी कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं होना चाहिए कि पता लगा आपने स्प्लिट कर दिया या फिर इंटर रिकंस्ट्रक्शन हो गया तो उसको आप नई कंपनी बोले, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये स्टार्टअप इंडिया के विषय में। तो सर, स्टार्टअप फाइनेंस में बस इतना ही था। स्टार्टअप फाइनेंस में आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। फिर से, आपको कहीं ना कहीं, देखो मैं आपको काम काम की चीज़ बता रहा हूँ, आपके काम आएगी। सबसे पहले स्टार्टअप फाइनेंस में क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट याद कर लेना। फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था, इनोवेटिव वेज। इनोवेटिव वेज में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अगर मुझे चार क्या है नए तरीके, तो अगर इनोवेटिव वेज की बात करो तो पर्सनल फाइनेंसिंग हो गया था, याद रिवीजन करवा रहा हूँ, बहुत स्पीड से रिवीजन करेंगे। पर्सनल फाइनेंसिंग हुआ था, और क्या होता, और कहाँ से पैसे लोगे, दोस्तों से पैसे लोगे, रिलेटिव से, और कहाँ से पैसे ले सकते हो, माइक्रो लोन, छोटे छोटे लोन, और कहाँ से पैसे ले सकते हैं, क्राउड फंडिंग, और क्या हो गया था, पीयर टू पीयर, वेंडर फाइनेंसिंग, परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, बहुत सारी बातें पढ़ा। दो चार भी याद रखोगे चलेगा। उसके बाद किसकी बात हुई थी, उसके बाद पिच प्रेजेंटेशन। भाई पैसे लेने जा रहे हो ना, तो किस तरह से प्रेजेंट करोगे। तो पिच प्रेजेंटेशन में क्या लिखा था, हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, हम ये बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, हम ये बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है मार्केट में और उसको हम सॉल्यूशन कैसे करने वाले, और क्या बताएंगे कि हमारा, हमको अगर कोई प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन कैसे होगा। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं, अपने कौन कौन से कॉम्पिटिटर है, बिजनेस हमारा प्रोसेस क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें पिच प्रेजेंटेशन में आपको बताना पड़ेगा। तो पिच प्रेजेंटेशन के बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, थर्ड पॉइंट, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्ट। मोड्स में तीन मोड्स हो सकते थे, पैसा कहाँ से आएगा। एक क्या था आपका, एक था बूटस्ट्रैपिंग, बाहर से मतलब खुद का लगाओ, बिजनेस से पैसा कमाओ और बिजनेस में लगाओ, बूटस्ट्रैपिंग। इसमें तीन चीजें, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ट्रेड क्रेडिट, क्रेडिटर्स उधार लो, कोशिश करो उधार लेने। दूसरा, इसके अलावा आपको एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, लीजिंग पे ले लो भाई, लीज। तीसरा, डेटर्स में पैसा फंसेगा, फैक्टर से पैसे ले लो। इट मीन्स बूटस्ट्रैपिंग में तीन चीज, ट्रेड क्रेडिट, और इसके अलावा मैंने क्या बताया, फैक्टरिंग, और क्या बताया, लीजिंग। उसके बाद और कहाँ से, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स के विषय में डिटेल है, पढ़ लोगे। और उसके बाद वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड से क्या पैसे लेने में फायदा है, यस, क्यों फायदा, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, हालांकि रिस्क ज़्यादा होता, रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है हमको। और क्या, ये लोग हमारी हेल्प करते हैं, इनका नेटवर्क अच्छा होता है, ये बीच बीच में भी पैसा लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वेंचर कैपिटल से पैसे लेने में, IPO में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये वेंचर कैपिटल के हमने, अच्छा वेंचर कैपिटल में भाई, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें ज़रा देखिए, तो अगर मैंने कहा कि प्रोसेस क्या होती है वेंचर, तो वो आपने स्टेजेस पढ़ा, सीड मनी पढ़ा, स्टार्टअप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप पढ़ लोगे। उसके अलावा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस ये, प्रोसेस में क्या पढ़ा, अभी अभी पढ़ा, डील ओरिजिनेशन, सबसे पहले डील ओरिजिनेशन होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर ड्यू डिलिजेंस होगा, उसके बाद क्या होगा, डील स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगा, एंड लास्ट में एग्जिट प्लान होगा। अच्छा, वेंचर कैपिटल फंड कितने टाइप के होते हैं, दो, डोमेस्टिक और कौन से, ऑफशोर, और ऑफशोर में कितने हो गए, दो, ऑफशोर स्ट्रक्चर हो गया और यूनिफाइड स्ट्रक्चर हो गया। फिर लास्ट स्टार्टअप इंडिया, ये मैंने आपको अभी अभी समझाया, याद कर लेना, चार नंबर है, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और सुनो मेरी बात, अंदर क्या है ये मत, बस मेन मेन पॉइंट याद करो, उसके अंदर का तो आप लिख दो। थैंक यू, अब चलेंगे हम अगले चैप्टर्स पे, नेक्स्ट क्लास में।